89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी आपकी, कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी, बताओ ना क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? Has been done in terms of section 5(2) of this act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में, सेक्शन 5(c) नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो? टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन क्या आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by notifying, issuing a notification in the early 19s. बिना किसी ownership को, बिना कुछ देखे, क्या ownership थी आपकी इसके पहले सर, prior to this notification which was issued under the ancient monument act? Who was the owner of this property? Notification issue हो गया तो property आपकी हो गई, फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, हाउ दैट इज पॉसिबल?